लास्ट वीडियो में मैंने अवेकन किया था गुल रेस को V3 तक। सो अगर लास्ट वीडियो चेक नहीं किया हो तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। इस वीडियो में हम करेंगे ग्राइंडिंग ताकि हम जा सके थर्ड सी के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए 1500 लेवल एंड करंटली मेरा लेवल है 1200। सो हाँ, 300 लेवल और चाहिए अपने को। करंटली हम है हॉट एंड कोल्ड आइलैंड पर। सो हम जाने वाले हैं बहुत सारे आइलैंड पर, मतलब बहुत सारे नहीं, दो या फिर तीन आइलैंड पर हम जाने वाले हैं। ग्राइंडिंग ही ग्राइंडिंग होने वाला है इस वीडियो में। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम जाएंगे कर्स्ड शिप, क्योंकि अगर तुम लोग को याद हो लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था हॉट एंड कोल्ड के सारे क्वेस्ट को कंप्लीट करके। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है कर्स्ड शिप, जहाँ पे मैं पहले भी जा चुका हूँ अगर तुम लोग को पता नहीं तो, क्योंकि कर्स्ट कैप्टन को मुझे मारना था। गूल रेस बाय करने के लिए मुझे कर्स्ट कैप्टन को मारना था, इसीलिए भाई मैं पहले भी वहाँ पे जा चुका हूँ। तो हाँ, जैसे ही मैं कर्स्ट शिप पहुंच गया, बात किया मैंने क्वेस्ट वाले चाचा से एंड पहला क्वेस्ट ले लिया एंड शुरू ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग। लेटर मैंने नेक्स्ट क्वेस्ट ले लिया एंड खत्म भी कर दिया। लेटर हम आ गए सेकेंड क्वेस्ट वाले चाचा के पास, जिससे हमने ले लिया फर्स्ट क्वेस्ट एंड अगेन ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग। एंड बाय द वे, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो यहाँ पे दो क्वेस्ट वाले चाचा तुम लोगों को मिलेंगे, पहला होगा नीचे, दूसरा होगा ऊपर। नहीं, दूसरा भी तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला होगा नीचे स्टार्ट में, जैसे तुम लोग कर्स्ट शिप के अंदर जाओगे तो वहाँ पे तुम लोगों को मिल जाएगा। एंड दूसरा वाला तुम लोगों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, देन जाके मिलेगा। सो हाँ, यहाँ पे दो ही कैप्टन्स है, और तुम लोग को अगर बॉस को मारना है तो भाई बॉस का शायद से यहाँ पे कोई क्वेस्ट है नहीं, क्योंकि मैंने क्वेस्ट लिया नहीं और मैंने क्योंकि बॉस को मारा ही नहीं, क्योंकि भाई पहले ही मैंने मार दिया था उसको। सो अपन स्किप करेंगे कर्स्ट कैप्टन को मारने का, पहले भी बहुत फार्म कर चुका हूँ मैं उसको। सो यहाँ के सारे क्वेस्ट जो है वो मैंने कम्प्लीट कर दिया। सो कर्स्ट शिप फिनिश एंड नेक्स्ट आइलैंड है अपना आइस कैसल, जहाँ पे सबसे पहले मैं आ गया क्वेस्ट वाले चाचा के पास एंड मैंने ले लिया आर्टिक वॉरियर्स का क्वेस्ट। जहाँ पे इस वीडियो में ज्यादा कुछ ऐसा यूनिक होने नहीं वाला, बस अपन फटाफट से सारे ग्राइंडिंग्स करने वाले हैं। तो हाँ, मैंने ले लिया क्वेस्ट एंड लग गया मैं ग्राइंड करने, और जैसे ही मेरा लेवल अप हो गया था तो मैंने ले लिया दूसरा क्वेस्ट। और मैं तुम लोग को और एक चीज बताऊं, मैं ऐसे समझो कि वन साइड मैं स्पीड वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि भाई पहले से मेरा 1500 लेवल हो चुका है। मैं सिर्फ तुम लोग को दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आइलैंड्स पे मुझे जाना था और मैंने क्या क्या आइलैंड्स किया। हाँ, तो ये मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ। उसके बाद अब मैंने ले लिया सेकेंड क्वेस्ट। उसके बाद हम आ गए थे फ्रूट रोल करने के लिए एंड मैंने फ्रूट रोल किया एंड OMG भाई, मुझे जो फ्रूट मिला है भाई, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं सिर्फ स्कैम करे जा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को। मतलब लाइक सब लोग आके खड़े हैं वहाँ पे, सब इजी लग बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे, और सब लाइक टोटके कर रहे कि भाई ऐसे मैं मारूंगा तो भाई तुमको अच्छा फ्रूट मिलेगा ये वो। बट साला मुझे मिला क्या, स्प्रिंग। वाह, इससे घटिया लक नहीं देखा मैंने। और ये सामने ये बंदे को देखो, कितना फेक बन सकता है ये साला। स्टोर से निकाल के अपने को बता रहा है कि भाई मेरे को लियो मिल गया। वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड, शाउट आउट टू हिम। क्या नाम है इसका, नाम मुझे दिख रहा नहीं है, डस्की, ये हाँ डस्की ब्रो 6x करके जो भी है, छोड़ो। तो हाँ, देन मैं आ गया सेकेंड क्वेस्ट लेने एंड जैसे ही मैंने सेकेंड क्वेस्ट ले लिया, चाचा से पेलना स्टार्ट कर दिया मैंने उनको बिना सोचे समझे एंड पेल भी दिया। एंड देन लेटर मैं और भुवन निकल गए भाई सर्वर पे सर्वर हॉप करते हुए आइस एडमिरल को ढूंढने, क्योंकि साला वो मिल रहा ही नहीं था, पता नहीं कौन उसे फार्म कर रहा था। मैंने और भुवन ने सोचा कि भाई रेनगोकू फार्म करेंगे, रेनगोकू स्वॉर्ड जो है वो लेंगे, बट साला वो आइस एडमिरल ही नहीं मिल रहा है। तो क्या एक मिला उसको पेला, बट की नहीं मिला। तो ठीक है, लाइन ड्रॉप कोई और वीडियो में, कोई और टॉपिक पर अपन फार्म करेंगे उसको, अभी के लिए प्लान ड्रॉप करते हैं। सो हाँ, मैं निकल गया अपने नेक्स्ट आइलैंड पर, क्योंकि आइस एडमिरल को अपन ने मार दिया था। एंड ये वाला आइलैंड जो है ये होने वाला है लास्ट आइलैंड सेकेंड सी का, देन अपन जाएंगे थर्ड सी। सो हाँ, लास्ट आइलैंड अपना होने वाला है फॉरगेटन आइलैंड। तो मैं निकल गया भुवन के साथ टेलीपोर्ट करके एंड हम पहुंच गए वहां 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में। भाई टेलीपोर्टेशन बेस्ट, मेरे हिसाब से तो पोर्टल बेस्ट फ्रूट है, तुम लोग अपना बताना कमेंट्स में। सो हाँ, जैसे ही हम फॉरगेटन आइलैंड आ गए, सबसे पहले हम आ गए क्विस्ट वाले चाचा के पास एंड लग गया मैं ग्राइंड करने एंड सी सोल्जर्स को पेलने लग गया मैं। सो हाँ, पेलते फटाफट इन्हें। तो जैसे ही मेरा ये वाला क्विस्ट हुआ खत्म, मैंने लिया सेकेंड क्विस्ट जो कि था वाटर फाइटर्स को मारना।
एंड इनको भी बहुत मारा मैंने, इनको भी पेल दिया मैंने और फटाफट से यहाँ पे भी मैंने लेवल अप कर लिया। एंड देन आता है अपना टाइड कीपर जिसको फार्म करना था, बट मैंने टाइड कीपर को ज्यादा फार्म किया नहीं क्योंकि भाई वाटर की के लिए शार्कमैन खराटे बाय करने के लिए मैंने टाइड कीपर को इतनी बार फार्म कर दिया था कि भाई टाइड कीपर का मेरे को शक्ल ही नहीं देखना था। हाँ वो अलग बात है कि भाई उसका ड्रैगन ट्राइडेंट बोलते हैं उसको, ड्रैगन ट्राइडेंट है उसका, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को कमेंट में तुम लोग करेक्ट कर सकते हो। तो हाँ उसका ट्राइडेंट फार्म करने के लिए अपन किसी और दिन उसको फार्म करेंगे, उसको और रेनगोकू दोनों के लिए, दोनों स्वॉर्ड्स के लिए। सो हाँ जैसे ही हो गया मेरा लेवल 1500 मैं निकल गया अगेन भुवन के साथ कोलोसियम। ओके ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, मैं तुम लोग को क्विक एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन वाइंड अप करते हैं अपन। सो हाँ क्या हुआ है, जैसे ही मैं पहुंचा कोलोसियम तो मैंने इस रेड किंग से बात किया जिसने मुझे बोला कि भाई रिप इंद्रा ने उसको डिसरिस्पेक्ट किया था तो उसको मुझे जाके मारना है। पता नहीं मुझे क्यों बोल दिया इसने ये रिप इंद्रा को मैं मारू। ओ नो शेट भाई, मेरे हिसाब से मैं नहीं कर सकता उसको, बट स्टिल ट्राई करने निकल गए बेशरमों की तरह और मार दिया उसे पता नहीं कैसे और रिप इंद्रा भाग गया दुम दबा कर। देखो तो हाँ जैसे ही वो भाग गया ये आ गया अपने सामने एक कट सीन जो जो अपन स्किप नहीं कर सकते। एंड भाई दोनों खेल रहे थे, असली में मार रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, बट स्टिल भाई एनिमेशन तगड़ा था, मानना पड़ेगा। नाइस एनिमेशन, रिप इंद्रा पेल देता है किंग रेड हेड को, किंग रेड हेड ही नाम था ना इसका, मैं नाम भूल गया। ओके पेल के उसको उठा लिया गया है एंड निकल चुका है अभी रिप इंद्रा। ओके अपन आ चुके हैं एंड यू हैव गॉट मेल। ओ शिट, अच्छा अब अपन आ सकते, अब अपन टेलीपोर्ट हो सकते हैं और मैं आ गया था कैप्टन के पास। ये मिस्टर कैप्टन है, एक्सपीरियंस कैप्टन भी नहीं है ये, तो ठीक है। अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक मारो और सबसे पहले भाई सब्सक्राइब मारो क्योंकि तुम लोग ने मेरी जर्नी देखी है और अब मैं पहुंच चुका हूँ थर्ड सी। तो हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, जस्ट नॉट मी, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि भाई थर्ड सी में पहुंच चुके हैं अपन और बहुत लंबा सफर था ये, शायद से कितना महीना हुआ मुझे ब्लॉक्स फ्रूट स्टार्ट करके, 1-2 महीना 3 महीना मैं सामने दिखा दूंगा, तुम लोग टेंशन ना लो। और हाँ अपन आ चुके थे थर्ड सी में, सो हाँ अब तो और भी कंटेंट्स आने वाले हैं, वो अलग बात है मैं लेट हो जाता हूँ हमेशा, तो बट स्टिल सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो और थैंक यू, और अगर वीडियो लाइक मारा सब्सक्राइब कर दिया ओ शिट और थैंक यू। तो हाँ मैं तुम लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अंटिल देन चलो बाय।